चिड़ियों की कलकलाहट की आवाज़ सुनने के लिए रुके हैं। कि कौवा बोल रहा है ना। क्या आपको पता है कि झारखंड में कुल मिला के 32 तरह के ट्राइब्स होते हैं। कुछ लोग बाहर से आए हैं, कुछ लोग यहीं के हैं। उनमें से एक ट्राइब है पहाड़िया। कैसी अजीब सी जगह है, कोई भी हेलमेट नहीं पहनता। वैसे हम एक गांव की तलाश में निकले हैं, पहाड़ियों का गांव, ट्राइबल्स है भैया। अच्छा, ये इधर एक गांव है पिनासी। नहीं जानता हूँ पिनासी गांव किधर पड़ेगा। पिनासी गांव, पिनासी ये पहाड़िया लोग का गांव है, नहीं पता है। अब लोग कहाँ से हो? तुम कहाँ से हो? और तुम कहाँ में कहाँ से हो? कुट्टावन से हो? अच्छा, कुट्टावन में कहाँ से हो? केले के पेड़ के पीछे, वो है के अंदर। अरे हो गया, चल अब निकाल। क्या बताए, हम लोग एड्रेस पूछते हैं, हम पे एड्रेस पूछ लेते हैं। आप लोग कहाँ से, किधर जाए पूछना पड़ेगा। किधर पहाड़िया गांव है, पिनासी गांव कहाँ पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा हम तो नहीं जानते। आप नहीं जानते हैं? चक्कर से किधर, दाहिने दाहिने नहीं, गोल चक्कर के पास पूछ लीजिएगा। गोल चक्कर के कितना किलोमीटर होगा? 3-4 किलोमीटर। मिल गया पिनासी। तो गांव घूमने आए, गांव कैसे घूमेंगे हम लोग? कोई गांव तो दिख ही नहीं रहा, यही गांव है आपका? और पहाड़ वाला गांव नहीं है इधर? अच्छा, दो अद्भुत चीजें मिली रास्ते में। जल मीनार। जल मीनार, व्हाट इज दैट? भाई थोड़ा टेक्निकलिटी एक्सप्लेन कर दो। धूप से पानी कैसे निकालता है? धूप से यहीं पे लोकली बिजली प्रोड्यूस करता है। एक डीसी मोटर होता है, ठीक है? अच्छा, डीसी करंट होता है, डीसी मोटर होता है, एक स्विच होता है। कुछ समझ में नहीं आया, खैर चलिए डेमो दिखाते हैं। पानी निकल रहा होगा फिर इसका? हाँ, तो स्विच ऑन करने पे पानी जो है, रुक जा भाई, अपना थोड़ा चढ़ा लो, जरा पानी दिखा, पानी देखेंगे थोड़ा। चलाओ चलाओ, देखिए पानी, ये सोलर पानी है, सोलर से आया है, सोलर से आया है, प्लांट लगा हुआ है उससे सोलर से आया है ये सोलर। सोलर मेरी साइंटिफिक बातों से तो समझ में आ ही गया होगा कि सोलर एनर्जी इज द फ्यूचर ऑफ दिस वर्ल्ड। खैर जरा पीछे नजर डालिए, हमने मेन रोड छोड़ दिया है। विश्वास तो नहीं हो रहा कि ऐसा रास्ता हमें गांव की तरफ ले जा रहा है। 2021 अरे बाप रे, कैसे जाएंगे बे? सीधा ही उधर, रुक जाओ उधर, चढ़ा लेंगे। चढ़ा तो लेगा, चलो तो फिर सामने की तरफ कैमरा कर लो। इधर गलत जा रहा है? नहीं इधर ठीक जा रहा है। नहीं भाई इधर ये रास्ता इधर, इसीलिए तो बोले कि उतर जाते हैं। 3-4 किलोमीटर का ये खौफनाक रास्ता, कमर तोड़ रास्ता, हम जंगल पहाड़ पे चले जा रहे थे। दूर दूर तक इंसानों का कोई नामो निशान नहीं, डर लग रहा था। तभी दूर एक सुनसान घर दिखा। घर बोलो जी, हम आ गए भाई, आ गए, मिठाइयां बांटो, पहाड़ी हो गया, आ गया भाई, आ गया आ गया। पहाड़ियों का गांव, अब देखते हैं गांव में कौन मिलता है। नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हैं? ठीक ठीक है। बहन बच्ची को लेकर आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सिकंदर से हम आए हैं। अच्छा, पैदल आ रहे हैं उतनी दूर से? पैदल से। अच्छा, चांदोपन से। और नाम क्या हुआ आपका? वीरेंद्र हस्ता। वीरेंद्र हस्ता, ये देखिए चरवाहा लोग आए हैं, गाय बैल चरा के वापस। इसको चराने गए थे क्या? नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा, पहाड़ों के बीच पहाड़ी आदिवासियों का छोटा सा पहाड़िया गांव। वाओ, ये तो टंगस्टर हो गया। छोटे छोटे प्यारे प्यारे लजाते हुए पहाड़िया बच्चे।
घूम शर्माते हुए बच्चों की पहाड़िया माए, पहाड़िया पिता और पहाड़िया दादा। चलो वगैरह में दरवाजा है पढ़ने लिखने वाले उस वाले में, हाँ उसमें नहीं दरवाजा है। दरवाजा नहीं, यहाँ के लोग बस ऐसे पट्टा उट्टा लगा के काम चला लेते हैं। तुम पढ़ती हो? हाँ, किस क्लास में? डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया हुआ है। कहाँ से? बीआईटी मिश्रा। हमारे पहाड़िया गांव आए थे कि भाई गांव यहाँ तो डिप्लोमा इंजीनियर मिल गए बीआईटी मिश्रा की। तो इंजीनियरिंग हो गया डिप्लोमा? कम्प्लीट है, ट्रिपल इस। ज्योति इस गाँव की एक्स फैक्टर। क्यूँ? अरे भाई जिस गांव में सड़क नहीं है, पानी नहीं है, स्कूल नहीं है ढंग का, वहां की लड़की एक इंजीनियर है भाई, वो भी बीआईटी मिश्रा से, थैंक्स टू हर मॉम। काश सबकी सोच ऐसी हो सकती। किसी को ज्यादा पढ़ाना लिखाना पसंद नहीं करते। ऐसा सोच रखने वाले तो बहुत थे, पर मेरे पापा ऐसा नहीं सोचते थे, क्योंकि वो टीचर थे और वो हमेशा से मतलब प्रायोरिटी दी है और हमको हमेशा मतलब मेरा तो परवरिश हुआ है कि लड़कों के जैसा, मेरे छुई मुई टाइप से लड़की इस तरह से कभी हुआ ही नहीं। हम हमेशा बाहर रहे हैं, बाहर ही रहे हैं, और आने जाने के लिए भी हमको कोई चाहिए नहीं होता है। तो और अभी हम घर पे, हम फिलहाल तो अभी हम बेटा की तरह ही सारा रोल निभा रहे हैं। ज्योति ने हमें बताया कि आज भी पहाड़िया लड़कियों को 9-10 से ज्यादा का एजुकेशन नहीं दिया जाता। 9 क्लास तक मुश्किल से आती है लड़कियां, उनका रिश्ता पक्का हो जाता है ये वो। और आज भी ज्यादातर घर मिट्टी और खपड़ेल के बने हुए हैं। क्यों? ओवर टू ज्योति। जो भी मिट्टी का दीवार जैसे तैसे खड़ा कर लेते हैं, और जो भी आप वो क्या बोलते हैं पीएम आवास, इंदिरा आवास, पता नहीं ऐसे कुछ होता है ना, तो यही सब जिनका जिनका निकलता है वो भी घर बनाते हैं, कुछ खा लेते हैं, कुछ इधर उधर। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो पैसा मांगते हैं कि आपका इतना सामान आएगा, आपका इतना पैसा है, आप इतना दीजिए, उसमें से वो कुछ इधर उधर खा लेते हैं, आधा अधूरा सामान पहुंचा देते हैं, और पूरा घर भी नहीं बन पाता है। फिर बाद में उधर से प्रशासन से जब प्रेशर उनको आता है कि आपका घर अभी तक बना क्यों नहीं, तो फिर वो बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है। फिर कुछ लोग ऐसा होते हैं कि उस घर को पूरा करने के लिए फिर बाहर निकल जाते हैं काम करने के लिए, आसाम बंगाल कहीं भी, फिर वहाँ से कमा के आते हैं, फिर जाके उस घर को पूरा कर पाते हैं, क्योंकि जो शायद उनको 120 या फिर 2 लाख तक भी। शुक्र है बिजली तो है, पूरे गांव का जो पानी का सप्लाई होता है ना यहाँ से होता है। सप्लाई के लिए पानी नहीं है, देखिएगा पानी लग रहा जैसे कि है ही नहीं, बस इतना ही पानी, मुश्किल से एक बाल्टी डूबता होगा, इसी से पूरा गांव के लोग पानी पी रहे हैं। और एक उधर कुआं है उसमें नहाने धोने के लिए, एक उधर तालाब है। अब ऐसा पानी पियेंगे तो बीमारी पड़ेंगे। ज्यादातर हर दूसरा आदमी या तो टाइफाइड हो रहा है उसको, या तो जॉन्डिस हो रहा है। ओए, मतलब वो पानी वगैरह की दिक्कत है, पानी का प्रॉब्लम है, इसी वजह से यहाँ के लोग ज्यादातर टाइफाइड हो रहे हैं। और अगर बीमार पड़ गए तो भैया गए, क्योंकि ऐसे सड़क से तो पहुंच भी नहीं पाएंगे आप टाइम पर। दिमाग में ये इमेज लेके आए कि थे यार गांव जाएंगे, ऐसे हरा भरा खेत दिखे, जैसे केरल वेरल का गांव देखे थे हम, वैसे हम इमेज लेके आए थे कि साला गांव जाएंगे हमें मस्त मजा आएगा, ऐसे चारों तरफ दूध दही की नदियां बह रही होंगी, खेत लहला रहा होगा। यहाँ पे आए तो भैया मतलब इतना इश्यूज कि मतलब मन दुखी हो गया भाई देख करके। गाँव के बच्चे को हम परेशान करेंगे। इतना तोड़ी है, इतना सारा बेर तोड़ी है, तोड़ी है कि तोड़ा है? अरे देखो देखो ना, प्यार से बेर खिला रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? चमेली। ये होते हैं गांव के बच्चे, एक झोला बेर मार के तोड़ लिया। थैंक यू। गांव दिखाओ, गेस्ट हैं हम तुम्हारे। बाबू हाथ खड़ा कर दिया भाई साहब। क्या देखो देखो कैमरा कैमरा बढ़िया। मैं मतलब थोड़ा करवा जाता है अभी। शर्मा रहे हैं कैमरा देख के। अच्छा तो खाना खा लिए? पूछिए हमसे। खाना खाए ना लेकी? नहीं कहाँ खाए।